Hello student, how are you all? See the screen. Today is our new topic, cooperative society. Okay? See, co means what? People's, operate means support. जो लोगों के सपोर्ट से कोई सोसाइटी हम ओपन करते हैं, इट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट मींस कोऑपरेटिव सोसाइटी. आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगी. जैसे कि अगर कोई बिजनेस, हमने देखा होगा कि आफ्टर रिटायरमेंट मेनी पीपल्स आर एंगेज टू डूइंग एनी अदर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, बट समवन आर टू बी डूइंग ए गुड काइंड्स ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़. दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़. अगर समझो 10 कोई पर्सन है, 10 पीपल्स हैं, तो वो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं और उनके पास वो या तो अपना लिए कोई घर बना ले या अपने बैंक बैलेंस को ऐसे ही रख दे. और कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम लोग कुछ नया चीज़ शुरू करें, तो 10 पीपल्स क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज़ कलेक्ट करके एक एसोसिएशन बनाएंगे, एक सोसाइटी बनाएंगे, और जिसमें कि उनका एक बिजनेस चलते रहेगा. तो लोगों के सहयोग से जो सोसाइटी बनती है उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. सी द मीनिंग. द कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर. कोऑपरेटिव का मतलब ही होता है साथ में काम करना, एंड विथ अदर्स फॉर ए कॉमन पर्पस, और दूसरे पर्पस के लिए लोगों के साथ में सहयोग करना. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन. वॉलंटरी मीन्स वॉट इट सेल्फ. आप खुद से चाह सकते हो, खुद सोच सकते हो कि मुझे इस सोसाइटी का मेम्बर बनना है या नहीं. हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेम्बर्स. और ये ज्वाइंट होते हैं किसके लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए. ओके इनका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वेलफेयर ओरिएंटेड होता है. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स. फीचर्स मीन्स वॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता, वैशिष्ट्य ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. फर्स्ट पॉइंट, वॉलंट्री मेंबरशिप. यहाँ की मेंबरशिप कैसी होती है, वॉलंट्री होती, मतलब प्रेशराइज करके यहाँ पे कोई मेंबर बनता नहीं है. द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वॉलंट्री. मेंबरशिप इज़ ओपन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियन, कास्ट एंड जेंडर. कोई भी कास्ट के, धर्म के, प्रांत के, जाति के जो लोग हैं यहाँ पे मेंबर बन सकते हैं, उनकी खुद की इच्छा होनी चाहिए. ए पर्सन इज़ फ्री टू ज्वाइन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिज़ायर. अगर कोई भी इंसान जब चाहे इस सोसाइटी में एंटर हो सकता है, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो लीव भी कर सकता है. देर कैन नॉट बी एनी कंपल्शन फॉर हिम टू ज्वाइन और क्विट ए सोसाइटी. कोई दबाव नहीं होता इसके लिए कि आपको यहाँ का मेंबर बनना ही होगा या आपको यहाँ से निकलना ही होगा. एज़ पर आर चॉइस, खुद की इच्छा से हम वहाँ पर सोसाइटी में मैंशन हो सकते हैं या निकल सकते हैं. ऑल दो प्रोसीजरली ए मेंबर इज़ रिक्वायर्ड टू सर्व ए नोटिस बिफोर लीविंग द सोसाइटी. प्रोसीजर ये बोलता है कि अगर आपको वहाँ से निकलना है तो उसके पहले आपको एक नोटिस देना होगा. देर इज़ नो कंपल्शन टू रिमेन ए मेंबर. और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर से उस सोसाइटी का मेंबर बनना ही है. ठीक है, मतलब सब कुछ यहाँ पे हमने कोऑपरेट करने के लिए सोसाइटी बनाई है, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती नहीं है. सी सेकेंड पॉइंट, लीगल स्टेटस. लीगल स्टेटस मीन्स वॉट, कानूनी मुद्दे, कानूनी अधिकार. रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपलसरी. यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है. देयरफॉर इट इज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर. यहाँ पे मेंबर जो है, मेंबर की और सोसाइटी की दोनों की भी जो लीगल एंटिटी है वो सेपरेट होती है. ओके मेंबर अलग है और सोसाइटी अलग है. द सोसाइटी कैन एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम. कोई भी मेंबर जो है सोसाइटी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अब प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है अपने नाम पे. ठीक है, श्यू एंड बी स्यूड बाय अदर्स, या खुद के नाम पर या किसी और के नाम पर. एज ए रिजल्ट ऑफ बींग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एंटिटी और एग्जिट ऑफ इट्स मेंबर. क्योंकि मेंबर यहाँ पे सेपरेट है और सोसाइटी यहाँ पे सेपरेट है, इसीलिए मेंबर के रहने या ना रहने से सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. थर्ड वन, लिमिटेड लाइबिलिटीज. Those who are having cooperative society member, its liabilities are very limited in nature. The liabilities of the member of cooperative society is limited to the extent of the amount contributed by them as capital. Because जितना वो capital contribute करते हैं society में, उसके base पे उनकी जो liability होती बहुत कम होती है, ना के बराबर. क्योंकि ये लोगों की welfare के लिए बनाई गई संस्था है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा loan वगैरह होता नहीं है. This defines the maximum risk that a member can be asked to bear. इसलिए यहाँ पर इसका मतलब ही, यहाँ का मैक्सिमम रिस्क जो है, अगर होता है तो भी सारे के सारे मेंबर बियर करते, इसलिए एक के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ है आती नहीं है, सभी लोगों के ऊपर लाइबिलिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, बांट दी जाती है, इसके लिए उनकी लाइबिलिटीज़ कम हो जाती है. फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल.
In a cooperative society, the power to take decisions lie in the hands of an elected managing committee. जो control है पूरी cooperative society का वो किसके हाथ में होता है? Managing committee के हाथ में. The right to vote give the members a chance to choose the member who will constitute the managing committee. जो अधिकार होता है वोट देने का वो भी किसके हाथ में होता है? यहाँ की मैनेजिंग कमेटी के हाथ में होता है. एंड दिस लैंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी ए डेमोक्रेटिक कैरेक्टर. इसीलिए यहाँ पे ये सोसाइटी भी कैसे काम करती है? डेमोक्रेटिक नेचर से. डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? प्रजातांत्रिक. अपने हिसाब से वो काम करते, किसी के अंडर प्रेशराइज होकर काम किया नहीं जाता है. देन लास्ट पॉइंट, सर्विस मोटिव. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए काम करती है. वेलफेयर मीन्स सर्विसेज प्रोवाइडेड. सर्विस मोटिव इनका मेन फंडा होता है. द पर्पज़ ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर. सबसे मेन म्यूचुअली अंडरस्टैंड करना, लोगों की प्रॉब्लम को समझना, उनको हेल्प करना, उनकी वेलफेयर के बारे में सोचना, ये मेन मुद्दा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्योंकि उसका नाम ही कोऑपरेट सुना छुपा हुआ है. इट इज़ फॉर्म विद द मोटिव ऑफ सर्विस टू इट्स मेंबर नॉट टू अर्न प्रॉफिट. इसका मेन फॉर्म ही इसलिए किया गया, इसको अस्तित्व में आया ही इसलिए है कि ये सर्विस प्रोवाइड कर सके, ना कि प्रॉफिट अर्न कर सके. ओके, इफ एनी सरप्लस इज जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो काम कर रहा है तो इसमें प्रॉफिट उसको मिलेगा या नहीं, कुछ कमाएगा या नहीं, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द मेंबर एज डिवाइडेड इन कन्फर्मिटी विद द बिलो ऑफ द सोसाइटीज. मतलब यहाँ बाय लॉ ऑफ द सोसाइटीज, मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे कंपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन की है, यहाँ पे पैसों का काम तो होता ही, अगर कुछ यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कुछ होता है तो वो आपस में क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं. ठीक है, और आपस में वो लोग जो भी सोसाइटी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लॉस भी होता नहीं है. ओके, तो हम देखेंगे हमारे यहाँ पे पूरे के पूरे पॉइंट्स क्या क्या थे. सर्विस मोटिव, कंट्रोल, अदरवाइज लिमिटेड लाइबिलिटीज, लीगल स्टेटस, और सबसे मेन फर्स्ट पॉइंट क्या था? वॉलेंट्री मेंबरशिप. तो ये 5 पॉइंट्स थे, हमारे फीचर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरिट्स, लिमिटेशन एंड इट्स टाइप्स. वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. एकदम ज़्यादा भी आपको बोर नहीं करेंगे, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम वीडियो देखने के लिए 4 बार सोचें. तो अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. आई होप सो आपको पसंद आएगा. अगर आपको पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू स्टूडेंट.